मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश कामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उंकलाकार टैटू आर्टिस्ट, और मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। ये है थर्ड मेट क्वाइट सीरीज। इसके पिछले भागों में मैंने बताया कि आप यदि फ्रेशर थर्ड ऑफिसर हैं किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि पहले आप अच्छे से टेक ओवर करें, उसका भाग बनाया। फिर मैंने बताया पहले दिन आप क्या काम करते हैं, आप ब्रिज फैमिलियराइजेशन करें, और उसके बाद जब डेक पे जाते हैं डेक फैमिलियराइजेशन करें। मैंने बताया आपने प्लान्स लेने हैं LSA FFA और जर्नल अरेंजमेंट प्लान, और उसके अनुसार आपने राउंड लगाना है डेक पर और देखना है सारी चीजें यथा स्थान पे है या नहीं, ये मैंने बताया। इस भाग में अब बात करते हैं क्या करेंगे अब आप अगले दिन, क्योंकि डेक पे आपको कोई बताने वाला नहीं है क्या कार्य किस प्रकार से करना है। अब आपने जो पहले दिन राउंड लगाया डेक पे, आपने सारी चीजें देखी, आपने देखी चीजें यथास्थान पे हैं या नहीं, आपने फिर देखी इन चीजों में कमियां क्या है, किसी के स्टेंसिल्स मिटे हुए हैं, किसी की रस्सी टूटी हुई है, किसी की लाइट अगर है वो जल नहीं रही, आप ये सब देखें, ये आपने नोट किया हुआ है, इनकी आप मरम्मत करें, करेक्शंस करें। उसके पश्चात अब आप टारगेट बना के चलें कि आज के दिन मैं पूरे जहाज पे एक इक्विपमेंट अच्छे से देख लूंगा। जैसे कि मान लीजिए EEBD, इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस, आपने सोचा आज के दिन मैं ये सब देखूंगा सारे EEBD यथास्थान पे हैं या नहीं, EEBD जितने होने चाहिए, यदि एक जगह पर दो हैं तो उस जगह पर दो ही होने चाहिए प्लान के अनुसार, आपने ये सारी चीजें देखनी है। आपने देखा है IMO स्टिकर लगा हुआ है EEBD का या नहीं, आपने देखना है, आपने चेक करना है सही EEBD सही है या नहीं, कोई खराबी तो नहीं है, विजुअली चेक करना है। क्या क्या करेंगे, मास्क, एयर होस, एयर प्रेशर इन द बॉटल, आप अपने क्रेडल से निकालें उसे, क्रेडल मतलब जिस पे लगा होता है EEBD, निकालकर ये तीन चीजें आपने विजुअली चेक करनी है, मास्क अच्छी तरह से है, एयर होस सही है, और प्रेशर सबसे जरूरी, प्रेशर हाई होना चाहिए, ये आप चेक करें। उसके सिवा इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर बनी है या नहीं, इंस्ट्रक्शंस अधिकतर कवर पे ही होती हैं। उसके अतिरिक्त इंस्ट्रक्शंस के निर्देश के स्टिकर आते हैं, स्टिकर आप ऐसे चिपका सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होती है आप हर एक इक्विपमेंट के साथ उस इक्विपमेंट को चलाते कैसे हैं उसका स्टिकर चिपका के रखें। मान लीजिए ये अगर EEBD है तो उसके साथ चिपका के रखें कि इसका प्रयोग कैसे करना है, हाउ टू यूज इसकी इंस्ट्रक्शंस। आप एक चीज देखें, जब EEBD आप लगाते हैं एयर वॉल्व उसका थोड़ा ओपन करें और देखें नीडल डिफ्लेक्शन होती है या नहीं, ठीक, इससे पता चलेगा एयर आ भी रही है या नहीं। आप पूरी ही ओपन ना कर दें कि प्रेशर ही कम हो गया, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा कम हो गया तो फिर हमें रिचार्ज करनी पड़ेगी, एयर कंप्रेसर का प्रयोग करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, इसलिए जरा सा ही ओपन करें। तो ये सारे चेक्स थे EEBD के। एक बार फिर से, ऑल EEBD विजुअली चेक्ड फॉर मास्क, एयर होस, एयर प्रेशर इन द बॉटल। उसके बाद एयर वॉल्व ओपन्ड एंड नीडल डिफ्लेक्टेड, ये चेक करना है। उसके बाद चेक इफ IMO स्टिकर ऑफ EEBD इज पेस्टेड, देन चेक the instructions of usage, how to use, इसकी instructions चिपकी हुई हैं, sticker चिपका हुआ है, और number and location is as per fire and safety plan, LSAFFA plan के अनुसार ही यथास्थान पे होना चाहिए, और जितने plan में लिखे हैं उतने ही होना चाहिए। इसी प्रकार से श्रृंखला में बने रहिए। मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में।